नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं बार बार कहता हूँ, सोशल मीडिया ही असली मीडिया है तो उसकी कई बाजी बजे हैं। आप ताज्जुब करेंगे, भरोसा नहीं कर पाएंगे। मैं जब सोशल मीडिया देखता हूँ तो वहाँ ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो किसी एंकर की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो सत्ता से सवाल पूछ ले, इवन मैं भी। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने कोशिश की है कि जो सोशल मीडिया पर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो लोग जो हैं वो, और जो पत्रकारिता हो रही है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो यूपी की योगी सरकार के पास जंगल राज की फ्रेंचाइजी और इनकी कोई ब्रांच भी नहीं है, इति सिद्धम, ये लिखते हैं। एक तस्वीर लगाई गई है, देखिए, इसलिए ये अंधभक्त कहलाते हैं। केजरीवाल, शर्म करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम से कम 5 रुपये कम करो। ये पोस्टर लगा के जो है लोग सवाल पूछ रहे हैं, उस पर मजाक उड़ा रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 117वें देशों में 102 नंबर पर आ गया है। भुखमरी में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से पिछड़ गया है। हरियाणा के जाटो 21 अक्टूबर को 21 फरवरी 2016 मत भूलना, कैसे बीजेपी ने जाटो को जेल में ठोक दिया था जिनकी आज तक जमानत नहीं हुई है। हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष कमलेश तिवारी की लखनऊ में हत्या। लेकिन मैं जो कुछ सवाल आपको सुनाऊंगा वो शानदार सवाल हैं और वो आप भरोसा नहीं करेंगे कि क्या सचमुच इस तरह से लोग सवाल पूछ सकते हैं और क्या कोई चैनल पूछ सकता है। एक सवालों का फहरिस्त है मेरे पास। आप बताओ कि भुखमरी में 3 पायदान नीचे कैसे फिसले और पाकिस्तान से नीचे कैसे आ गए, जबकि आपके कहने के अनुसार पाकिस्तान को आपने भीख का कटोरा पकड़ा दिया था। महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव में क्या होगा, इस पर एक बड़ी रिपोर्ट बताऊंगा, बड़ी खबर बताऊंगा बहुजन समाज के लिहाज से। लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। क्या इस तरह के सवाल इस देश में किसी एंकर, किसी पत्रकार, किसी अखबार, टेलीविजन के औकात है क्या? तो मैं फिर से सुनाता हूँ, 4-5 सवाल ही हैं। आप बताओ कि भुखमरी में 3 पायदान नीचे कैसे फिसले और पाकिस्तान से नीचे कैसे आ गए, जबकि आपके कहने के अनुसार पाकिस्तान को आपने भीख का कटोरा पकड़ा दिया। नोटबंदी से आतंकी फंडिंग खत्म हुई तो पुलवामा, उरी, पठानकोट, गुरदासपुर हमले कैसे हुए? जीएसटी से टैक्स पेयर बढ़े तो डीजीपी डिस्प्ले स्तर पर क्यों गई? अगर देश से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है तो देश की नवरत्न महारत्न कंपनी स्टेशन, एयरपोर्ट, प्राचीन इमारतों को पूंजीपतियों को क्यों बेची जा रही है? सरकार के पास इनके संचालन तक की क्षमता नहीं है? चीन युद्ध, पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान युद्ध, करगिल युद्ध, युद्ध के बाद भी 70 सालों में कभी आरबीआई का रिजर्व पैसा नहीं निकाला गया, आपको क्या जरूरत आ पड़ी? इतना पैसा कहाँ जा रहा है? क्या हमारे हालात अघोषित आर्थिक इमरजेंसी हैं? 6. अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठीक है तो बैंकों का विलय क्यों हो रहा है? सरकार हमसे होती है, हम सरकार से नहीं। सरकार से सवाल करना हमारा अधिकार एवं मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। जब तक नेहरू सत्ता में थे उन्होंने जवाब दिया, मोदी जी अब आप सत्ता में हैं, जवाब दीजिए और बड़गलाना बंद कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि देश आपके देखते देखते विनाश की तरफ बढ़ जाए। तो ये वो तमाम सवाल है जो लोग सवाल उठा रहे हैं, और ये सब कोई पत्रकार, किसी टेलीविजन की हैसियत नहीं है। वो चापलूसी करता है नेताओं की, हुक्मरानों की, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो असली मीडिया है। सीधा आरक्षण खत्म करते हैं तो देश में विरोध शुरू हो सकता है, इसलिए निजीकरण करके आरक्षण के खात्मे का सरल तरीका अपनाया जा रहा है। तो ये वो तवाल सवाल है और मैं कुछ और चाहता हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो दिखा रहा हूँ। एक बड़ा खेल चल रहा है, उसके बाद कुछ खबर पढ़ाऊँगा। जिस तरह से टेलीविजन और अखबार राम मंदिर बनाने में लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा मुझे नहीं पता। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने पीएमसी बैंक घोटाले की सुनवाई से इनकार कर दिया, कहा हाईकोर्ट जाइए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के मामले सुनता है क्योंकि वो प्रोसेस सूची, इसमें लाखों लोग की पूंजी फंसी है, लाखों लोग मर रहे हैं। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को उस पर भी सुनना चाहिए था। जरूरी है नोएडा फिल्म सिटी एक्सक्वेशन, जरूरी है जमीन को समतल करना पड़ेगा, सारे न्यूट्रल के ऑफिस के हटते ही हनुमान लला के प्राचीन मंदिर की खुदाई का काम शुरू हो जाएगा, सारे भक्त एंकर एंकरानियां कार सेवा में लगेंगे। दरअसल जिस तरह से लोग कह रहे हैं ना कि वहाँ राम मंदिर था और निशानियां मिल रहा है, एक आदमी ने, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि एक प्रोफेसर है, उन्होंने रिसर्च किया है कि नोएडा फिल्म सिटी जहाँ सारे चैनलों के दफ्तर हैं, वहाँ हनुमान जी का जब वो पहाड़ ला रहे थे, जब वो संजीवनी बूटी ला रहे थे, तो उनके गदा का एक मनका टूट के गिर गया है, जो नोएडा फिल्म सिटी जो है एक्सटेंशन, उसके नीचे दबा हुआ है, और वहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि वहाँ खुदाई जब होगा
तभी वो मन का मिलेगा। तो ये लोग कहानी कर रहे हैं। और देखिए एक एक सोनू बहुत ने लिखा, हरियाणा में हमारी सरकार बनी तो पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे मोदी, अब तक हरियाणा में तालिबान की सरकार थी क्या? तो ये तमाम सवाल हैं जो लोग आपसे पूछ रहे हैं। एक लिख रहा है, चंद्रमा को दूरबीन से देखने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं और चलती देखने वाले और चलनी से देखने वाले प्राणी सिर्फ भारत में। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये सब भावनाएं लोग की आहत हो जाएंगी, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मतलब ये सवाल जो हैं वो बहुत वाजिब हैं, मुझे लगता है कि ये सवाल तो पूछे जाने चाहिए। मैं कुछ और आपके सवाल, पीएमसी बैंक खाताधारकों को बड़ा झटका, सुनवाई से एससी का इनकार, जज बोले एससी जाइए। तो पीएमसी बैंक को लेकर जजों ने सुनवाई से इनकार कर दिया, अभी राम मंदिर का मामला चल रहा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं सीईओ गुरु रामदेव ने भी अब माना आर्थिक मंदी के आगे, उसमें तो रामदेव जी ने भी मान लिया है, बड़े अर्थशास्त्री हैं वो, सारा काला धन उन्हीं के पास था। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की दिनदहाड़े, सोचिए जब हिंदू लोग नहीं सुरक्षित हैं तो एससी एसटी ओबीसी का लखनऊ में, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी जंगल राज है। 370 पर महाराष्ट्र हरियाणा में हुंकारी भराई जा रही है, कश्मीरी जनता से कब पूछेंगे मोदी जी? तो ये सवाल है, ये पहले उसने पिंकी सराहिया है, पेशे से डॉक्टर है, वो लिखती हैं, पहले उसने गरीबों को मारा, अमीर खुश रहे नोटबंदी, अब वो अमीरों को मार रहा है पीएमसी। तो लोग लगातार इस पर लिख रहे हैं, और खून के बारिश बेईमान हो सकते हैं और हुए भी हैं, लेकिन विचारों के बारिश कभी बेईमान नहीं होते हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट, भारत का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। तो ये सारी खबरें जो हैं, जैसे बीएसएनएल को डुबोकर अब जियो अपनी मनमानी कर रहा है, ऐसे ही एक दिन सरकारी ट्रेनों को डुबोकर आईआरसीटीसी मनमानी करेगा। आगे लिखते हैं, स्विस अरविंद यादव स्विस बैंक से काला धन लाने की बात करके आए थे, अब आरबीआई से रिजर्व निकालकर सरकार चला रहे हैं। तो सोचिए कि सारे लोग जो हैं वो लगातार लिख रहे हैं। अंबानी भारत सरकार से कर्ज लेकर भारत पेट्रोलियम खरीदेगा। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो कोई पत्रकार नहीं पूछ सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ। न्यायमूर्ति जी एल कपूर कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि इस बात में कतई भी संदेह नहीं कि गांधी की हत्या की साजिश सावरकर ने की थी। तो ये सवाल सवाल जो है आपको दूसरा नहीं पूछ सकता है। ये सैनिक देश की शान आन बढ़ाते अपनी जान गंवाकर, अक्षम नेता वोट मांगते उनकी लाश दिखाकर, शर्म भी शर्मा जाए वो चुल्लू जल न पाए, पंकज श्रीवास्तव ने लिखा है। कई मामलों में कोर्ट रामायण को काल्पनिक ग्रंथ कह चुका है, इसलिए अयोध्या मामले में भूमि सहित राम का अस्तित्व भी दाव पर लगा है। तो ये तमाम सवाल हैं जो लोग लिख रहे हैं। एक शख्स लिखते हैं, धर्म प्रकाश है, कभी बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट याद आती है, कभी लगता है हाथ मिलाते वक्त जाति भी लिख लूँ, बड़े अक्षरों में मेरा अनुभव है, लोग जुड़ते हैं वैसे ही जिनको जाति पता लगता है वो कटना शुरू हो जाते हैं। जहाँ ब्राह्मण आगे है वह मेरिट, जहाँ ब्राह्मण पीछे वहाँ जातिवाद, यही फर्जी मेरिट का राष्ट्रवाद है। यदि माफ़ी मांगने से भारत रत्न मिलता है तो केजरीवाल बड़े दावदार है, पहले ने अंग्रेज से माफ़ी मांगी, दूसरे ने दिल्ली की जनता से। 15 लाख नहीं, अब तो आपके अपने जमा किए 1 लाख की गारंटी भी नहीं, अब की बार सबका रुपया पैसा पार। तो ये तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो लगातार लोग लिखते हैं, और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वो सवाल हैं जो किसी पत्रकार की औकात नहीं है कि वो नेताओं से पूछ ले, इस पर रिपोर्टिंग करे। इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप समझिए कि किस तरह से लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की चीज़ें आपको समझना चाहिए। और सोशल मीडिया जो मैं जब कहता हूँ तो बार बार की बहुजन मीडिया है। अब एक लास्ट बात, अभी चैनल पर चल रहा है मुस्लिम, जो शहाबुद्दीन से लेकर मुख्तार अंसारी से शहाबुद्दीन तक, जानिए क्या करते हैं राजनीति के इन 5 बाहुबलियों के बेटे। सोचिए मुसलमान को राजनीतिक बाहुबली कहा जाता है। जब दिलीप मंडल इंडिया टुडे में थे तो उन्होंने एक बाहुबलियों की लिस्ट निकाली थी, मैं तो बिहार से एक दर्जन सवर्ण बाहुबली गिना दूंगा, रमा सिंह, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, सुनील पांडे, आनंद मोहन सिंह, पता नहीं क्या क्या, हर जगह गली मोहल्ले में इनका है, लेकिन उस पर मीडिया कोई सवाल नहीं उठाता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश में जाति जो है वो जाति नहीं है, और सारा चीज़ जाति के हिसाब से तय होता है। इस देश में जब तक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स है उसके आधार पर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो बात नहीं बनेगी। इसलिए दिलीप मंडल ने कहा है, जो बैनर्जी साहब को जो नोबेल मिला उन्होंने कहा कि बैनर्जी साहब आप कह रहे हैं गरीबों के हाथ में पैसा दीजिए, सरकार वो भी बात नहीं मान रही है, लेकिन गरीब कौन है उसकी जाति तो पता कीजिए। इसलिए इस देश का समस्या जो है, इस देश की जो बीमारी है,
वो जाति है, और जब तक जाति पर आप बहस नहीं करेंगे ये हिंदू मुस्लिम से देश का भला नहीं होने वाला है। शुक्रिया, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि दिन भर से चुनिंदा सोशल मीडिया के सवाल आपके सामने उठा के लाऊं, और मैं चैलेंज करता हूं किसी भी देश के पत्रकार को, अखबार को, टेलीविज़न को, कि वो ये सवाल क्या पूछने की हिम्मत रखता है सत्ता से, और क्या ये सवाल वाजिब नहीं है। आप सबका शुक्रिया।